मैंने उनके साथ में बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया, और वो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे पिता समान भी थे, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। मैं इस बारे में, जैसा जो उनके ऊपर केस चला उसके बारे में, तो मैं, मेरी कुछ हैसियत नहीं है कुछ भी कहने की, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो ईश्वर जानता है, और जो भी होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरे अनुभव से वो एक बहुत महान इंसान, बहुत बड़े महात्मा, और उन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया, लोगों की बहुत सेवा की। एक सही मायने में मैंने सच्चा देशभक्त उनके अंदर में देखा है। समझ लीजिए 97-98 से बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा, बहुत लंबा सफ़र रहा है। मैंने उनके साथ में बहुत बहुत अच्छा टाइम बिताया, और वो मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे पिता समान भी थे, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उनके मेरे बीच में हर तरह की बातें होती थी। मैं क्या कहूँ, मैंने उनकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीखी हैं मैंने। और मेरे बचपन ही कह लीजिए मुझे, उस समय मैं दिमाग में भी एकदम नया नया आया था, तो उस समय इनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। मैं इस बारे में, जैसा जो उनके ऊपर केस चला उसके बारे में, तो मैं, मेरी कुछ हैसियत नहीं है कुछ भी कहने की, क्योंकि जो सच्चाई है वो तो ईश्वर जानता है, और जो भी होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा, मेरे अनुभव से वो एक बहुत महान इंसान, बहुत बड़े महात्मा, और उन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया, लोगों की बहुत सेवा की। एक सही मायने में मैंने सच्चा देशभक्त उनके अंदर में देखा है। उनके जाने पर मुझे बहुत दुख है, इसीलिए मैं कल स्पेशली, मैं परसों दुबई पहुंच गया था मेरे बेटे से मिलने के लिए, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने फिर से फ़्लाइट ली वापस। मैं दुबई से मुंबई पहुंचा, मुंबई से मैंने फ़्लाइट ली वापस लखनऊ की, फिर मैं कल रात से यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यही कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि वो क्या चीज़ थे, और हम को खोके हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बीस दिन पहले हुई थी उनसे। वो बीमार थे काफ़ी, मैं उनको मिलने जाता रहता था, थोड़ा मैं उनको मिलने जाता रहता था, और पर मुझे बिल्कुल उम्मीद थी कि वो इतने सहसा चले जाएंगे, क्योंकि 20 दिन पहले मैं उनसे मिलकर आया, और उनको आदत थी मेरे साथ में मीठा खाने की, तो वो हमारे शौक बड़े एक जैसे, हम मलाई में चीनी डाल के खाने का शौक है मुझे, और उनको भी। तो हम जब पिछले 25 सालों से मिलते हैं, जब भी मिलते थे तो मलाई और चीनी खाते थे साथ में मिलके। तो अभी मैं जब आया था तो मैंने बोला आप भी खाइए, तो कहते हैं मैं नहीं खा सकता, लेकिन तुम खाते हो तो मुझे। तो हमारा ये रिश्ता था, बहुत प्यार वाला, बहुत ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता था हमारा। ओम शांति।